ऋषभ कैसा क्या कितने नंबर 20-25 के आसपास अमन तू 35 चलना कौन सा सेट था अभी तूने तो बोला तेरे 25 आ रहे हैं अभी 25 क्या कंटेंट चाहिए बता कैसा क्या गाना हो मैं सीधे नंबर बता कितना है सब के आंसर निकल गया मेरे दो के आंसर ही निकले एक तो वो डीडी वाले का एक चार नंबर अच्छा गया है कभी तो पार्टी करने जा मेरा एवरेज गया था आएंगे 30 के आसपास मेरा 25 से मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने करा ना हो लेकिन होता है ना कि कैलकुलेशन देख दो में कैलकुलेशन बढ़ी गई ठीक और है दो में पता नहीं मैंने क्या आंसर निकाला टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन की वजह से खराब गया बाकी सब और सेट कौन सा था वैष्णवी कैसा क्या एग्जाम कितने आ जाएंगे ये है आम जिंदगी अभिनव तेरा फेल फेल ये है मेंटोस जिंदगी ओके शांतनु कैसा क्या एग्जाम बहुत बड़ा इससे इजी पेपर तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मतलब कितने आ जाएंगे देखो 39.5 40 नहीं आना बहुत मारूंगा बता रहा हूँ इजी पेपर गया था ना तेरा साले है? भाई पूरा एनसीईआरटी देख ले 40 क्यों नहीं आ रहे पहले ये बता 39.5 क्यों आ रहे पहले भाई हैंडराइटिंग पे अरे हैंडराइटिंग गई कहाँ 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 ये ढाबे पे अच्छा समझ गया ना हाँ बोलो बोलो क्या बोले कैसा गया भाई बताओ अब खत्म तुम लोगों के सीएस के सीएस का है हमारी आईपी बचे पक्का ही है यहां पे सुन भी रहा होगा भाई हां अरे भाई का मैं ना वहां खड़ा था मैं इतनी पास से बोल रहा था मैंने वीडियो देखी पीछे का नॉइज ज्यादा आ रहा था ज्यादा जैसे अपना रिव्यू में थोड़ा सा डिटेल में देता था मेरा था सेट 1 अब सेट 1 में एक चार नंबर क्वेश्चन था मेरा जो फंसा इंटरसेक्शन क्वेश्चन था 3D ज्योमेट्री का उसमें से मेरा लैम्डा निकल गया थोड़ा बहुत आधा क्वेश्चन हो गया था आधा थोड़ा सा टाइम की वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वो क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट कर रहा था और दूसरा थोड़ा बहुत मुझे समझ भी नहीं आता वो आधा क्वेश्चन हुआ और एक प्रोबेबिलिटी का दो नंबर क्वेश्चन था जो मेरा सीधा सीधा गलत है तो कह सकते हैं कि अराउंड 4 तो पक्का गलत है 4-5 मान लो 5 नंबर का उल्टा सीधा पेपर हुआ है बाकी एक क्वेश्चन वो डाउट थे लेकिन वो मैंने चेक कर लिया वो सही था उसकी कैलकुलेशन सही निकल गई बाकी और भी लोगों को आपने देखा होगा वीडियो में मैक्सिमम जनता ऐसी थी जो 25-30-35 इसी रेंज में लाइक कर रही बहुत कम लोग ऐसे थे जो 35 पार कर रहे हो क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का तो बहुत कम ऐसे भी लोग हैं जो 20 से बिल्कुल नीचे जा रहे हो तो मोस्टली सब 30 के आसपास लाइक कर रहे हैं खासकर हमारे स्कूल में हमारे क्लास के स्टूडेंट्स मैंने कोई प्रिपरेशन ब्लॉग नहीं डाला ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स खत्म हो गए क्योंकि मेरा ध्यान प्रिपरेशन करते टाइम प्रिपरेशन पर ज़्यादा था ब्लॉग बनाने में कम उसके लिए थोड़ी बहुत माफ़ी और 13 को एक सीएस बचा मेरा लास्ट पेपर उसका देखेंगे अगर प्रिपरेशन ब्लॉग डालने का मन करा तो डाल लेंगे नीचे बता दीजिए कितने लोग हैं सीएस के लिए और आपका मैथ्स का पेपर कैसा क्या आप कौन सी रेंज में लाइक कर रहे हैं इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन बाय वासु भाई कैसा गया एग्जाम